देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चिंतन उसे कहते हैं जिसमें कि भूतकाल के लिए विचार किया जाता है। भूतकाल हमारा किस तरीके से व्यतीत हुआ इसके बारे में समीक्षा करिए, अपनी समीक्षा नहीं कर पाते, दूसरों की समीक्षा करना जानते हैं। पड़ोसी की समीक्षा कर सकते हैं, बीवी के दोष निकाल सकते हैं, बच्चों की नुक्ताचीनी कर सकते हैं, सारी दुनिया की गलती बता सकते हैं, भगवान की गलती बता देंगे, भक्त की गलती बता देंगे, कोई भी ऐसा बचा हुआ नहीं है जिसको आप गलती न बताते हो। लेकिन अपनी गलती तो आप विचार भी नहीं करते। अपनी गलतियों को हम विचार करना शुरू करें और अपनी चाल की समीक्षा लेना शुरू करें और अपने आप का हम पर्यवेक्षण शुरू करें तो ढेरों की ढेरों चीज़ें ऐसी हमको मालूम पड़ेंगी जो हमको नहीं करनी चाहिए थी, और ढेरों की ढेरों ऐसी चीज़ें मालूम पड़ेंगी आपको जो इस समय हमने जिन कामों को जिन बातों को अपनाया हुआ है उनको नहीं अपनाना चाहिए था। मन की बनावट कुछ ऐसी विलक्षण है कि अपना स्वच्छा ये बात बनी रहती है, अपना स्वभाव भी अच्छा, अपनी आदतें भी अच्छी, अपना विचार भी अच्छा, अपना चिंतन भी अच्छा, सब अपना अच्छा, बाहर वालों का गलत। आध्यात्मिक उन्नति में इसके बराबर अड़चन डालने वाला और दूसरा कोई व्यवधान है ही नहीं। इसलिए आप पहला काम वहाँ से शुरू कीजिए कि आत्मसमीक्षा से, एकांत में चिंतन के लिए जब आप बैठें तो आप ये समझें हम अकेले हैं, अब कोई हमारा साथी और सहकारी नहीं है। साथी अपनी जगह पर, सहकारी अपने स्थान पर, कुटुंबी अपने स्थान पर, पैसा अपने स्थान पर, व्यापार अपने स्थान पर, खेती बाड़ी अपने स्थान पर, इन सबको अपने अपने स्थानों पर रहने दीजिए। आप तो सिर्फ ये विचार किया कीजिए कि हम पिछले दिनों क्या भूल करते रहे, रास्ता भटक तो नहीं गए, भूल तो नहीं गए, इसीलिए जन्म मिला था क्या, जिस काम के लिए जन्म मिला था वही किया क्या, पेट के लिए जितनी जरूरत थी उससे ज़्यादा कमाते रहे क्या, कुटुंब की जितनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए थी उसको पूरा करने के स्थान पर अनावश्यक संख्या में लोग बढ़ाते रहे क्या, और जिन लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी उनको प्रसन्नता के लिए उपहार रूप में लाते रहे क्या, क्यों वजह क्या। ये सब गलतियाँ हैं। इसी तरीके से अपने स्वास्थ्य के लिए जो खान पान और आहार विहार जैसा रखना चाहिए था वैसे रखा क्या, चिंतन की शैली में जिस तरह की शालीनता का समावेश होना चाहिए था वो रखा गया क्या, न हमने शरीर के प्रति अपने कर्तव्यों को पालन किया, न अपने मस्तिष्क के प्रति कर्तव्य को पालन किया, न अपने कुटुंबियों के प्रति कर्तव्यों का पालन किया। कर्तव्यों की दृष्टि से हम बराबर पिछड़े हुए चले गए, जहाँ जहाँ पिछड़े हुए चले गए उन सबको एक बार की विचार कीजिए। क्यों विचार करने से क्या फ़ायदा, ये फ़ायदा है गलतियाँ समझ पाएंगी तो सुधार की भी गुंजाइश पड़ेगी, गलतियाँ समझ में ही नहीं आएगी तो आप सुधारेंगे क्यों। इसीलिए समीक्षा जो है नाड़ी परीक्षा अपने आप ही कीजिए। भूतकाल के संबंध में पाप क्राइम को ही नहीं कहते, पाप उन्हें भी कहते हैं जो कि जीवन अस्त व्यस्त बना के रखें, चोरी डकैती हत्या वगैरह ये तो बुरे कर्म ही हैं, लेकिन ये भी कम बुरा कर्म नहीं है कि आप आलस्य प्रमाद में ही समय काट डालें, आप अपने स्वभाव को गुस्सेबाज बना के रखें, ईर्ष्या किया करें, चिंतन और मन को अस्त व्यस्त बना के रखें, ये भी कोई ढंग है, ये क्या है, ये भी गलतियाँ हैं। व्यक्तिगत जीवन में आपको गुण कर्म स्वभाव संबंधी गलतियाँ क्या हुई और क्राइम अपराध जुर्म करने के संबंध में क्या भूलें हुई, उन दोनों के बारे में एक बार विचार किया जाए। ये विचार करना बहुत ज़रूरी है, इससे ये मालूम होता है कि हमारी गलतियाँ कहाँ हैं और हम कितना चूकते रहे हैं और चूक रहे हैं। उन चूकों को फिर सुधारने वाला अगला कदम आता है आत्म परिष्कार। आत्मनिरीक्षण के बाद में आत्म परिष्कार का दूसरा नंबर आता है। सुधार कैसे करें, सुधार में क्या बात करनी होती है, सुधार में रोकथाम करनी पड़ती है। मसलन आप शराब पीते हैं तो आप बंद कीजिए, सब अब हम नहीं पियेंगे। अब बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, अपना कलेजा जलाते हैं तो विचार कीजिए अब हम कलेजा नहीं जलाएंगे। आत्म परिशोधन इसी का नाम है कि जो गलतियाँ हुई हैं उनके विरुद्ध बगावत खड़ी कर दें, रोकथाम के लिए आमादा हो जाएं, संकल्प बल से ये इस्तेमाल करें कि जो भूल होती रही है अब हमसे न हो, इसकी स्कीम बनाइए, गलतियाँ न होने देने का तरीका क्या है, क्या हम करेंगे। अपने आप में जब कच्चाइयाँ आएंगी और जब आपको कच्चाइयाँ ये मजबूर करेंगी कि जो करते रहें वही ढगा चलते रहना जाना चाहिए, चार्ज है अपने साथ में पक्षपात और याद करने का, जब आपका मन उठे तब आप उसके मन के विरोधी हो जाइए, मन को निग्रहित कीजिए, मन को तोड़िए, मन से लड़ाई कीजिए। आत्म परिष्कार इसी का नाम है। आत्मनिरीक्षण और आत्म परिष्कार अथवा परिशोधन, ये दो कार्यों को मिला देने से चिंतन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यही कहना था आज आपसे। ओम शांति।